जो टेक होम मैसेज है जो कि आप समझ कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि स्किल्स मौजूद है कि आप अपने घर में फसादी बंदे से बात कर सकें, आप अपने घर में एग्रेसिव बंदे से बात कर सकें, जिस बंदे से डर लगता है कि वो बेइज्जती करेगा आप अपनी इज्जत बचा सकते हैं। और ये कुछ ज़्यादा अनोखी बात नहीं है, और ये हर घर में एक बंदा होता है फसादी कि जो एक्सपर्टीज हासिल कर लेता है, जो बहुत सुपर डुपर माहिराना सलाहियतें हासिल कर लेता है और सब उसको अवॉइड करना चाहते हैं, और कोई भी जब शिकायत लेके किसी के पास जाता है तो कहते यार मैनू ऐसे तो बाहर ही रखो, अजी आपस कर लो आपस कर लो। और उस बंदे को जो कमज़ोर होता है वो ये बात भूलती नहीं है। फिर जब आपको उससे वापस कभी काम पड़ता है तो फिर जब वापस काम आपको पड़ता है तो वो याद रखता है कि आप उसके काम नहीं आए थे, बंदे ही होते। नॉर्मली आप यू कैन टेक इट एज ए वर्ड कि बंदे ज़्यादा तंग कर देने, ख़वातीन अमूमन इन्ना तंग नहीं कर दिया, लेकिन ख़वातीन भी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं शाना बशाना, लेकिन अभी तक ख़वातीन जो है वो ज़रा थोड़ा वो कम तंग करने वाली होती हैं। ये नहीं कि नहीं करती तंग, करती होंगी, लेकिन ज़्यादा है बंदियाँ का काम है। 4 साल के बच्चे को स्मार्टफोन यूज़ करने आता है, 4 साल का बच्चा टैबलेट यूज़ करता है और माँ कहती है कि चलो मैं फारग हुई। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि बच्चों की तरबियत के ऊपर एक शॉर्ट कोर्स होना चाहिए, किस वक्त जब किसी की शादी हो, उससे पहले कि शादी होने के बाद या प्रेग्नेंट होने के बाद या बच्चा होने के बाद, शादी होने से पहले, क्योंकि जो भी बंदा शादी करेगा उसकी विचों नीयत है कि मैं हूँ बच्चे पैदा करने में, तो उसको जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। मैं आपको बच्चों को पालना कितना टफ हो सकता है, ये एक मैं रिसेंट तजर्बे से गुजरा हूँ कि हमने एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा मेरी वाइफ ने को 3-3.5 महीने से पाला है, तो हमें पता चला है कि इसका मतलब क्या होता है एक पेट को पालना, किस तरह उसके बारे में जानकारी हासिल हमने की कि क्या क्या उसको हो सकता है, वो बीमार हो गई फिर वो सेहतयाब हो गई, फिर वो उसको कैसे उसका ख्याल रखना है ताकि दोबारा वो मरी ना जाए कहीं, आधी रूह तो उसकी परवाज कर गई थी तो फिर वापस आई। तो बच्चे की जिम्मेदारी तो एक बिल्ली के बच्चे से बहुत ज़्यादा होती है, बच्चे की जिम्मेदारी तो बहुत हद से ज़्यादा होती है, तो इस बात का तो ख्याल रखना होगा। और ह्यूमन ब्रेन बड़ा दिलचस्प है, ये हमारे सर के अंदर होता है और 3 पाउंड का है, जो कि हमारे बॉडी वेट के लिहाज से 2% बनता है आमतौर पर, और ये एनर्जी जो कंज्यूम करता है वो टोटल एनर्जी का 20% कंज्यूम करता है, यानी मोस्ट एक्सपेंसिव ऑर्गन है एनर्जी वाइज, इसको 20% एनर्जी चाहिए, फेफड़े को 20% एनर्जी नहीं चाहिए, दिल को 20% एनर्जी नहीं चाहिए, मेदे को आंतों को नहीं चाहिए, इसको 20% चाहिए। और जो ही आप डिप्लीटेड हो जाते हैं, एग्जॉस्टेड हो जाते हैं ड्यू टू एंगर, तो एनर्जी का रुख उधर हो जाता है आपकी एग्जॉशन को मुकम्मल करने के लिए, और जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस्म लोड शेडिंग के प्रिंसिपल पे चलता है कि जब बिजली की शॉर्टेज है तो गुलबर्ग की बिजली बंद करो कैंट को दो, कैंट की बिजली बंद करो तो शादवान को दो, लिहाजा एक एनर्जी क्राइसिस पैदा हो जाता है और आपका ब्रेन लड़ाई झगड़े के लिए एनर्जी फराहम कर देता है, क्योंकि आप लड़ना चाहते हैं, आप गुस्से में हैं, तो ब्रेन कहता है कह लो एनर्जी लो लड़ो, और सोच विचार के लिए जो एनर्जी है वो कहता है इस वक्त मैं नहीं दे सकता, मैं दोनों काम नहीं कर सकता कि आपको सोच विचार के लिए अलग एनर्जी दूं और आपको ये जो दंगा फसाद है इसके लिए एनर्जी दूं। तो फिलहाल दंगा फसाद आप करना चाहते हैं, कीप डूइंग इट, ये ले एनर्जी। तो अब आप समझ गए होंगे कि दंगा फसाद तो छोड़ना पड़ेगा, वरना सोच विचार वाला वो दुकान बंद हो जाती है, तो वो मसला तो फिर हल नहीं होता। आज फिर भी कराया
बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो सिर्फ आज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हो क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।